रीवा नगर निगम परिसर में 3 सूत्री मांगों को लेकर पार्षद धरने पर बैठ गए हैं। 16 जनवरी से निगम परिसर में पार्षद सहित उनके समर्थकों का धरना शुरू है। इनकी मांग है कि वार्ड में पेयजल सफाई की सप्लाई की पाइपलाइन बिछाने के लिए पार्कों का सुंदरीकरण करने और सड़क का निर्माण आदि मांगे रखी गई। निगम के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए गणतंत्र दिवस के मौके पर भी धरना जारी रखा गया। हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि मामला संज्ञान में आने के बाद कलेक्टर मौके पर पहुंचे और धरने पर बैठे सभी लोगों को समझाइश देने के बजाय धमकी देते नजर आए, जिसके बाद पार्षदों ने कलेक्टर की भाषा का विरोध कर अपनी बात पर अड़े रहे। कल या परसों हम आपको उठवा देंगे यहाँ से, ठीक है ना? और आप अपना आमरण अनशन खत्म करके बैठी रहेंगी तो क्या होगा? कल या परसों हम आपको उठवा देंगे यहाँ से।